हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम न्यू डेजर्ट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है मावा 1 बाउल, 1 बाउल पाइनएप्पल, 1 बाउल शुगर एंड 1 बाउल चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पर ये है इलायची पाउडर और ये फूड कलर है येल्लो, ये ऑप्शनल है, आप ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पर हमने एक पैन में मावा करा है जो सॉफ्ट हो जाए, हमें इतना भूनना है जो सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, हमें बस ये इतना भूनना है जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए मावे में से। ये मावा हो चुका है, अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने पैन में पाइनएप्पल ले लिया है, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, सॉफ्ट होने तक भूनेंगे इसको। हमने पाइनएप्पल थोड़ा सा भून लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अगर आपकी चीनी कैरमलाइज होती है तो आप इसमें 1 स्पून वाटर ऐड कर सकते हैं, और जब तक चीनी बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाती हमें इसको तब तक भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी शुगर मेल्ट हो गई है और पाइनएप्पल भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। अब हम इसमें 1 ड्रॉप फूड कलर ऐड कर रहे हैं, येलो फूड कलर लिया है हमने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि फूड कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। दो मिनट और भून लें फिर तैयार। इसे आप 2 मिनट और भूनना है हमें और ये तैयार है। आप इसे हलवे के रूप में भी सर्व कर सकते हैं और साथ ही इसको थोड़ा सा अगर आप और टाइट कर लेंगे तो ये बर्फी भी इसकी बना सकते हैं आप। अब हमने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और हम इसको गार्निश कर रहे हैं ड्राई फ्रूट से। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमने इसे हलवे के रूप में सर्व किया है, आप इसे बर्फी के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही इजी भी है और क्विक भी है बनने में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।